हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे प्यारे लवली लवली फ्रेंड्स, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किचन हैशटैग लाइफ बाय शहला। एंड मैं आपकी फ्रेंड्स ऑफकोर्स शहला। तो आज हम आए थे ग्रोसरी के लिए। मंथली ग्रोसरी करते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी। तो मैं ग्रोसरी के लिए आई थी, और मेरी एक फ्रेंड जो हैं व्यूअर सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी फरमाइश पर उनके किचन सेक्शन की मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो कम लेट्स विद अस। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम टिफिन बॉक्स लिया था, लंच बॉक्स बच्चों के लिए, तो उसी में का लंच बॉक्स अब लोइज़ा को भी चाहिए था। लोइज़ा को अपना लंच बॉक्स जो है पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बड़ा चाहिए, और बस वही हम लेने के लिए आए थे। और यहाँ पे नॉन स्टिक के बर्तन बहुत अच्छे लग रहे थे, बट मुझे जो है इंडक्शन बेस चाहिए, और मैं थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का लूँगी। बाकी यहाँ तो बहुत रिजनेबल रेट में मिल रहे हैं, लेकिन मैं सभी तरह के यूज़ कर चुकी हूँ वैसे, अंजलि, पिजन और प्रेस्टेज। तो पिजन का तो मुझे अच्छा लगा, अंजलि का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजनेबल रेट में मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस बार वंडर शेप का सोच रही हूँ लेने का, तो और देखते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नॉन स्टिक के बर्तन, उसमें बनाना एक मेरा जो है फेवरेट आउटर लेट का जो कुकर है, उसमें मोस्टली खाना बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी बन जाता है। जो कि एक डेढ़ घंटे का टाइम होता है खाना बनने का, वो मुश्किल से हार्डली 30-45 मिनट में मेरा खाना जो है सालन सब्ज़ी जो भी हो मैं बना के रेडी कर लेती हूँ। तो मुझे आउटर लेट के जो कुकर होते हैं बहुत पसंद हैं, वो भी मैंने ऑनलाइन लिए थे, और नॉन स्टिक के बर्तन भी मुझे बहुत पसंद है। बाकी मैंने कुछ जो ऐसे ही मतलब लोकल मार्केट से जो लिए थे वो जल्दी ख़राब हो गए हैं, और जो अच्छे हैं तो मेरे प्रेस्टीज का जो है वो भी 8-10 साल करीब हो गए हैं, उसको भी काफ़ी पुराना हो गया, वो रिसेंटली ही ख़राब हुआ है एक्चुअली। बाकी तो बहुत अच्छे रहे, मेरे एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, तो मुझे बहुत पसंद है। और जब भी मैं देखती हूँ तो कुछ ना कुछ मेरा दिल होता है कि मैं ले लूँ। और इंडक्शन का मुझे लेना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इंडक्शन पे मेरा मानना है कि चीज़ें ख़राब नहीं होती, उनके कलर ख़राब नहीं होते, गैस पे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इंडक्शन का ही लूँगी। और साथ ही ये जो है ब्लैक वाली, इसका मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, इसका भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये नॉन स्टिक ही नहीं लगता मुझे ज़्यादा सही तरीके से। और बाकी तो इतने अच्छे इतनी सारी चीज़ें हैं, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें और लेना है, बहुत सारे बर्तन, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बर्तनों का, माइक्रोवेव के बर्तन हो, नॉन स्टिक बर्तन हो, कोई सी भी हो, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है लेने का। तो जब भी मैं देखती हूँ तो मैं थोड़ी सी पगला सी जाती हूँ कि नहीं मुझे लेना है, मतलब मैं बहुत चीज़ें इकट्ठा कर करके रखती रहती हूँ, और बस यही ज़्यादा शौक़ है मुझे बर्तनों का, चीज़ों का। और मेरे हाथ में दोबारा से तकलीफ़ हो गई, तो मेरे बेचारे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तो वही ट्रॉली को ज़्यादातर पूरे में लेके घूमते रहे, और मैं शॉप थोड़ा सा शूट में करती रही, और ये मग मुझे बहुत अच्छे से लग रहे थे, और ये भी कह रहे थे ले लो लेना हो तो, बट मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज थी, मतलब इनकी चीज़ों को देख के थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, लूँ नहीं लूँ। और बाकी ये इसमें का मेरे पास है, इसका भी मैं सोच रही थी, तो बस मैं वो देखती रहती हूँ और कन्फ्यूज़ होती रहती हूँ, सोचती हूँ, पसंद करती हूँ, फिर आगे बढ़ जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ कि फिर मैं ले लूँ, फिर मैं सोचती हूँ अरे यार रहने दो। तो मेरा ये जो है ना, मेरे हस्बैंड में कई बार ये इरिटेट से हो जाते हैं, अरे यार तुम डिसाइड करो लेना है कि नहीं लेना है, तो वही समझ में नहीं आता। तो मैं वापस से वही सोच रही थी कि लूँ कि नहीं लूँ, मैं कुछ चीज़ें देख के आई थी, फिर वहाँ से मेरा मूड हो गया कि नहीं रहने दो, क्या करेंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिर यहाँ आते आते तक मेरा मूड हुआ कि नहीं नहीं देख लेते हैं, तो वही परेशान हो रहे थे कि क्या है सब, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो चलो, जल्दी से देर हो रही है घर। तो बस मैं वही कंफ्यूज हो रही थी और उनको परेशान कर रही थी कि मैं ले लेती हूँ। फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ले लेती हूँ, जो मुझे लेना है इतना क्या सोचना। तो बस वापस हम उसी के लिए जा रहे थे कि चलिए हम देख लेते हैं, जो हम पसंद कर रहे थे तो हम उसे ले ही लेते हैं, क्या करना है छोड़ के। वैसे भी मैं सोचती हूँ कि जब भी आओ कुछ ना कुछ तो लेके जाओ, ट्राई करो उसमें क्या रखा है। वैसे भी तो बस जो मैंने लिया है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेस किया है बाद में।
यहाँ पे मुझे ये जो कढ़ाई थी ये बड़ी पसंद आ रही थी छोटी सी। इससे पहले ही जब मैं आई थी तो मैं इसे देख के गई थी और अभी भी मैं मतलब बहुत इस पर कन्फ्यूज थी कि मैं लूँ नहीं लूँ, बट फिर मेरा दिल नहीं माना तो मैं वापस आई लेने के लिए। मैं कह नहीं मैं ले ही लेती हूँ उसको, बड़ी अच्छी सी क्यूट सी लग रही है, बहुत प्यारी सी, मेरी वीडियो में भी काम आएगी और घर में भी काम आएगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि शो के लिए रखती हूँ बर्तन, मैं घर में भी यूज़ करती हूँ उसे। तो बस मैंने ले ली, फिर मैं इसमें से कलर में कन्फ्यूज़ थी कि मैं कौन सा कलर लूँ, फिर मैं ग्रीन लेती हूँ, मेरे किचन में ग्रीन बहुत ज़्यादा है। और कभी दिखाऊंगी मैं आपको, मेरे पास उसकी भी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप किचन टूर कराइए, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी से उसका भी किचन टूर का भी आपको वीडियो बना के बताऊंगी, आप लोग देखिएगा फिर। और ये मसून जार बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे, बट ये है कि बच्चों के साथ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ें, क्योंकि बच्चे ख़ासकर हमारे जुहान जो हैं वो फेंक देते हैं चीज़ें, उनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, वो तो बस उठाते हैं और चीज़ें फेंक देते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं डरती हूँ अभी कांच की चीज़ों को, वाइट में छोटे हैं अभी बच्चे, नहीं उनको समझ में आता, हमसे टूट जाती हैं चीज़ें कई बार, तो बच्चे ही होते हैं। और साथ ही इतने प्यारे से, जैसे पहले केले के पत्ते होते थे, मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि पहले लोग केले के पत्ते में खाना खाया करते थे, और अब देखिए इस टाइप से ट्रे आ रही हैं, तो बड़ी अच्छी सी लग रही थी, वो भी ग्रीनिश थी, तो वही देख रहे थे। ये टू मग्स बड़े प्यारे से थे। सामान तो आप जितना चाहे बटोर लो, समेट लो और ख़रीद लो। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आती है उसे रखने की, उसको मैनेज करने की, कि उसे मैनेज कैसे करना है, उसे कहाँ रखना है, उसे कैसे यूज़ करना है, क्योंकि चीज़ें रखना बड़ा दिक्कत का काम है। ये ग्रोसरी तो हो गई थी हमारे, ख़ास करके हमने इतनी जल्दी इसलिए किया क्योंकि हमें चाहिए थे जुहान के डायपर, तो इस वजह से जल्दी हम आ गए थे इस बार ग्रोसरी के लिए, और बहुत रश था आज भी। और ग्रोसरी तो हो गई है, अब हम जा रहे थे घर के लिए, तो मिलते हैं बाकी का घर पे कि क्या क्या लेकर आए हैं। साथ ही बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, तो मैं उनको पढ़ा भी रही हूँ, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है मेरे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, घर का काम है, देन आफ्टर माय व्लॉगिंग, माय हॉबीज़ और जो भी कुछ है वो सब बाद में है। तो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी जो है मेरे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, तो उन पर कुछ भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो मैं ग्रोसरी के बाद जब घर आई हूँ तो एज ए रूटीन अपना जो भी है उनको पढ़ाने का, मैं उनको पढ़ा रही थी। तो उस टाइम पे मैंने शूट किया कि ये लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर एंजेला थोड़ी सी अपसेट थी, मैंने उन्हें डांट दिया था क्योंकि मैं उनको वर्क देखी गई थी, वो उन्होंने कम्प्लीट नहीं किया था, तो इसलिए उनका थोड़ा सा मूड ऑफ था, इसलिए वो बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं कर रही थी, मुंह ऐसा फुला के बैठी हुई थी अपना। बाकी बच्चों की पढ़ाई इतनी टफ है, बेचारे बच्चे भी क्या करें और हम भी क्या करें, हमें भी पढ़ाना ज़रूरी है। हम अगर उनको ढील देंगे, नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर उनका ही लॉस है इसमें, बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे और ये पीछे रह जाएंगे, और इतना वर्क है, सब चीज़ें हैं, तो वो सब तैयारी भी करवाना ज़रूरी है। तो बस मैं आके उनको पढ़ा रही थी, वो थोड़ा रेस्ट भी ले रही थी कि पढ़ा दूँ। और साथ ही लोइज़ा ने मदर अर्थ पर एक कार्ड बनाया था, पॉपअप कार्ड, जिसमें मैंने उनकी हेल्प की थी, ये तो ये सब बनाने में थोड़ा सा, और ये बाकी डेकोरेट जो किया है वो सब उन्होंने किया है। और ये उन्होंने बनाया था एक आइडियल, आपकी लाइफ में जो भी आइडियल हो, तो उन्होंने मेरे ऊपर बनाया है ये, अपनी मम्मा को आइडियल बना के, यूथ, यंग, जब चाइल्डहुड पे, फिर यंग वंस पे, यूथ पे, ऐसे करके तीन सेक्शन थे, उस पे लिखना था क्वेश्चंस, कुछ टीचर ने प्रोजेक्ट दिया था हॉलीडे होमवर्क का, तो बस वो दिखाने आई थी कि मामा मैं आपकी जो फ्रेंड्स हैं मैं उनको ये अपना कार्ड दिखाती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया था। तो ये उन्होंने पूरा मुझ पर लिखा था, मेरे ऊपर, अपनी मम्मा के ऊपर लिखा था कि मैं बचपन में कैसी थी, फिर मैं बड़े होके कैसी थी, आफ्टर मैरिज कैसी थी, तो इस तरह से उन्होंने कार्ड में पूरा डिटेल दी हुई है मेरे बारे में। तो मुझसे ही पूछ पूछ के उन्होंने क्वेश्चन लिखे थे। और साथ ही ये एंजेला का मूड अभी भी ऑफ ही था, और जोहान
इतने खुश थे, इनके लिए हम कार लेकर आए थे। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ग्रॉसरी में से दिखेंगी नहीं, क्योंकि वो निकाल ली बच्चों ने जैसे कि होता है। और ये जुहान कार के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। रोबोट वाली कार है इनकी, देखिए कैसे कार है। यहाँ पे दिखाइए चला के, इसका रोबोट कैसे खुलता है दिखाओ। नहीं खुल गया, कैसे खुला? ऐसे थोड़े खुलता है, इसको ऐसे टच। अरे बाप रे, ऐसे चलता है? रुको, ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कैसे टच, कैसे खुलता है ये? ऐसे खुलता है ये? अरे बाप रे, ऐसे खुलता है? हाँ, फिर से खोल के दिखाइए कैसे, ऐसे ओपन करते हैं। अरे अच्छा लग रहा है आपको? ओह वाह, कितनी प्यारी कार है, दिखाइए नीचे रख के दिखाइए। अरे वाह, इतनी प्यारी कार है। और जुहान आपने ये क्या किया हुआ है हाथ पे, पेन चलाया है? अरे बाप रे, आपने चलाया है? ई इधर देखो, स्माइल करो जुहान। ओह अरे बाप रे, अरे ऐसे नहीं, आराम से जुहान। अपनी कार तो दिखाइए हमें, कार दिखाइए। ओह ऐसे अपन होती है? अरे वाह, कैसे कैसे, अरे वाह, टेबल पे दिखाओ। ओह गिर गई। कार ये यही खोल के दिखा दे। छोड़, दे दो दे दो, जोहान को खेलने दो। तो देखा आपने जुहान को कितना खुश होते हैं वो, इतने मतलब दिन भर उनको मतलब उनके अगर ड्रेस पे अगर बनी हुई है कार तो वो कार करेंगे। और कहीं भी बस उनको कार दिख जाए, बस वो कार, एक काऊ जो होती है ना उसे गॉक कहते हैं, तो एक कार और एक काऊ वो उनकी इतनी फेवरेट है, बस हर जगह उनको वही दिखती है और वही चाहिए, मोबाइल में भी और कहीं भी। बस वो कार की चाबी उठाते हैं आजकल, चलो कार से जाना है हमें घूमने, तो उन्हें इतना शौक है ना ये सब चीज़ों का। और साथ ही मैंने ये ग्रॉसरी जो ली थी तो ये सब लिया है मैंने, इस बार मैंने लिक्विड डिटर्जेंट लिया है। अच्छा था ये, काफ़ी मुझे लग रहा है क्योंकि गोदरेज की चीज़ें अच्छी होती हैं, मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसके जो और भी चीज़ें हैं तो अच्छी थी। अब मैं बाकी इसको यूज़ करके देखती हूँ। ये तो मना कर रहे थे कि नहीं, मैं कह नहीं देखते हैं यूज़ करके। और बाकी मैंने सब चीज़ें बच्चों के लिए अपने लिए ली थी इस बार, ज़्यादा सामान मतलब सिर्फ दालें ही ऐसा हैं कि नहीं है, बाकी तो उसके अलावा बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं मैंने। और ये ले तो लिया है, अब इनको रखना बड़ा हेडेक का काम है कि क्या रखें। और साथ ही मैंने ये चीज़ बड़ा भी लिया है कि कुछ भी अभी रेसिपीज़ बनाएंगे खाएंगे तो उसमें इंशाल्लाह ये यूज़ कर लेंगे। मैगी बच्चों को बहुत पसंद है, चोकोस, बच्चे इतने खुश हो रहे थे मम्मा आपने चोकोस ले लिए हमारे लिए। और साथ ही मैंने ये वाली ली थी, कढ़ाई बड़ी प्यारी सी थी। ये एक बाउल लिया, इसमें एक बड़ा बाउल भी है मेरे पास, बट वो सामान जो मेरा रखा हुआ है किचन का डेकोरेट किया हुआ तो उसमें है। और साथ ही मैंने दो टी शर्ट्स जुहान के लिए ली थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। वहाँ पे किड सेक्शन में गए थे जब उनके लिए कार देखने, तो वहाँ पे मुझे अच्छी लगी तो घर में उनके पहनने के काम आ जाएंगी, इस पर्पज से मैंने ले ली थी। तो और बाकी के जो और भी सामान था, लोएज़ा कप का बॉक्स और पता नहीं चीज़ें, वो तो मैं सब रख दी। और ये शैम्पू आपके बालों लगाने का, शैम्पू नहीं है ये हेयर डाई है, और ये कॉफी,
फोन लगाता है ये दादी है दादी आप कभी भी आपकी दादी लगाती है बोल के पीले करो ऐसे डाला करो दूध के अंदर इसको शेकल लेकर बना और ये बर्तन धोने के लिए चमकाने के लिए अच्छा ठीक है और अच्छा ये मैगी खाने के लिए मैगी कौन खाता है इस मैगी को मैं आप खाते हैं हां ओ और ये खाने के लिए मैं खाती हूं ये अच्छा और ये पीने के लिए मेरे और ये लंच बस अब रख दीजिए हो गया सब बता दिया आप लोगों ने बाय बाय अब मैं पानी पीऊंगी गिलास में देखिए आप कितने स्मार्ट हैं आजकल के बच्चे कितने अच्छे से बताते हैं और ज़ाहिरा तो बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हैं मुझसे पहले से बना रही हैं वो पुरानी यूट्यूबर हैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी कभी अपलोड नहीं की उनके व्लॉग बट मेरे पास रखे हैं मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी और साथ ही रात में डिनर के लिए क्या बनाऊं मुझे कुछ समझ में आ रहा दाल बनाने का मेरा मूड नहीं था सब्ज़ी मुझे खाना नहीं थी और मैं ऑलरेडी बहुत थक गई थी फीलिंग वेरी टायर्ड तो मैंने बनाई है सेव की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह लाइफ में कभी आपके साथ शेयर करेंगे तो जल्दी बनाना था कुछ शूट नहीं कर पाई साथ ही मैं अंजला को पढ़ा रही हूँ मैनर्ड बॉय स्पेलिंग से याद करो मैनर्ड एम ए डबल एन ई आर डी मैनर में ईडी लगेगा लास्ट में ठीक है मैनर्ड मैनर्ड याने अच्छा तमीज वाला ठीक है सो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग पसंद आया हो आपको मोटिवेशनल लगा हो कुछ इसमें जो आपको सीखने को मिला हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको आज का व्लॉग और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए एंड क्लिक द बेल आइकॉन ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें मेरे वीडियोस के एंड बिग थम्स अप लाइक करिए शेयर करिए एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए मुझे